नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। हाथरस मामले की सुनवाई खत्म हो चुकी है। 2 नवंबर 2020 को हाथरस केस की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी कोर्ट से रवाना हुए। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की बात को सुना। सभी पक्षों के बयान को दर्ज भी किया गया और करीब 2 घंटों तक हाथरस मामले की सुनवाई चलती रही। 2:30 बजे लगभग शुरू हुई थी और अब क्योंकि 5 से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, पीड़ित परिवार का कोर्ट में बयान। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। डीएम पर दबाव और परेशान करने के आरोप लगाए गए। पुलिस ने हमें परेशान किया। पीड़ित परिवार ने कहा, हमें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है। अंतिम संस्कार को लेकर पीड़ित परिवार ने जताई नाराजगी। परिवार के आरोपों पर अगली सुनवाई में बहस होगी। पीड़ित परिवार के 5 सदस्य सुनवाई में शामिल हुए। पीड़ित परिवार का कोर्ट में बयान, हमें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा। देखिए, इसी पुलिस के प्रोटेक्शन में पूरा परिवार कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने काफी हार्ड लैंग्वेज में उनसे बात की कि आखिर आप अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको लग रहा था फेल हो रहा था तो आप ज़्यादा फोर्स बुलाते, जबकि मुझे मेरा मानना है, वहाँ पर हम सभी ने वीडियो देखे कि करीब 200 से 300 पुलिस के लोग थे और जो वहाँ के आम पब्लिक थी, जो परिवार फैमिली रिलेटिव्स थे, वो करीब 50 से 60 लोग थे। 50-60 लोगों को क्या 200-300 पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी? आप रात भर उनको रोकते, 2-3 घंटे के बाद सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। तो ये बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। कोर्ट ने काफी हार्ड, तो आप सुन रहे थे अधिवक्ता का यह बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया जब सवाल पूछा गया प्रशासन के नुमाइंदों से, और उनसे ये पूछा गया कि अगर आपको ये लग रहा था कि हालात खराब हो रहे हैं तो फिर हालात खराब होने की एवज में आपको फोर्स बढ़ाना चाहिए था। दरअसल क्योंकि परिवार ने ये वहां पर पक्ष रखा कि उनकी बेटी का जो दाह संस्कार था वो परिवार को नहीं करने दिया गया, और ये कहा गया कि उनकी बिना परमिशन के उनको उस दाह संस्कार को करने का अधिकार नहीं दिया गया, जिस पर सवाल पूछे गए। और प्रशासनिक स्तर पर क्योंकि अधिकारियों ने कहा था कि माहौल खराब होने की वहां पर जानकारी थी, इनपुट्स ऐसे थे कि माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया गया। तो यहाँ पर देखिए, जो जज साहब थे उन्होंने सवाल पूछा कि अगर ऐसी सिचुएशन थी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है तो फिर आपको फोर्स बढ़ानी चाहिए थी, ये कौन सा तरीका हुआ? तो जैसा अधिवक्ता बता रहे थे कि बहुत ही हार्श वर्ड्स में, हार्श शब्दों में, यानी बहुत ही कठोर शब्दों में सवाल पूछा गया है प्रशासनिक नुमाइंदों से। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दरअसल सुनवाई और लगभग 2 से 2.5 घंटों तक ये सुनवाई चलती रही। एसएस गृह अवनीश अवस्थी भी कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। डीएम पर दबाव और परेशान करने का भी जो आरोप है उसको लेकर भी सुनवाई, और ये जो तमाम आरोप लगाए गए हैं इसको लेकर अब अगली सुनवाई होगी नवंबर में। सभी पक्षों के बयान दर्ज हुए हैं। पुलिस ने उनको उनकी बेटी का दाह संस्कार नहीं करने दिया, हमें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है, ये तमाम बातें रखी गई हैं। करीब 2 घंटों तक ये हाथरस मामले को लेकर सुनवाई कोर्ट में चलती रही, लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के अंदर। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जिस पर सुनवाई चल रही थी, और अभी ताज़ा अपडेट ये है कि परिवार ने अपना पक्ष रखा है। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज़ है कि जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था उससे बहुत हटकर बात रखी जा रही है कोर्ट के अंदर। हाथरस कांड पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, और हाथरस से शुभम मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, और लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे साथ में। पहले एक बार एसके का रुख करते हैं। एसके, अधिवक्ता की हम बात को सुन रहे थे। अधिवक्ता ये कह रहे थे कि जो पीड़ित पक्ष के आरोप थे उन पर जब जवाब मांगा गया तो प्रशासनिक नुमाइंदों से बहुत ही हार्श वर्ड में पूछा गया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी तो आपको फोर्स बढ़ाना चाहिए था, और अधिवक्ता कह रही थी कि अगर फोर्स को देखा जाए तो वहां पर तो ऑलरेडी बहुत सारी फोर्स थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर विपक्ष हमले बोल रहा था और जो पीड़ित परिवार है वो लगातार आरोप लगा रहा था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए और कोशिश की गई कि पूरे मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए। एसआईटी बनाई गई, आरोप जो सरकारी मुलाजिम थे उनकी सस्पेंशन हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन बावजूद इसके पीड़ित परिवार लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा था, खासतौर पर अपने जिला प्रशासन पर, कि जिला प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। आज जब कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान
दौरान भी पीड़ित परिवार ने ये बातें कही कि जिला प्रशासन ने उसका सहयोग नहीं किया, पुलिस ने समय से केस नहीं दर्ज किया, सही समय पर इलाज नहीं दिया गया और अभी भी हमको इन सारी चीजों को लेकर भरोसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारी वकील विनोद शाही का जो बयान है वो साफ तौर पर ये बताता है कि किस तरीके से कोर्ट का रुख सख्त था और उनसे कोर्ट ने हार्ड सवाल पूछे, चाहे वो अपर मुख्य सचिव गृह रहे हों, डीजीपी रहे हों या उसके अलावा डीएमएसपी हाथरस रहे हों, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख पूरी तरीके से सख्त था और ये जाहिर तौर पर है जिस तरीके से चीजें बाहर आ रही थी। कोर्ट के संज्ञान में भी पूरा मामला आया था, स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया था। तो कहीं ना कहीं आज की सुनवाई के बाद हालांकि कोई निर्देश अभी नहीं दिया है, 2 तारीख की डेट लगाई है, लेकिन निश्चित है कि वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में थी, जिनके केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, वो चीजें कोर्ट ने सुनी है। पीड़ित परिवार ने पूरी बात रखी, पीड़ित की वकील ने पूरी बात रखी। कहीं ना कहीं जब पीड़ित की वकील बाहर आए तो उन्होंने भी यही चीज रखी कि जिस तरीके से सरकार ये दावे कर रही है कि रेप नहीं हुआ है, तो रेप की जो नई गाइडलाइन है वो क्या है ये पता होना चाहिए, ये बात भी हमने कोर्ट में रखी है। जिस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा है उसको लेकर भी हमने अपनी बात कोर्ट में रखी है। जो रात में शव का अंतिम संस्कार किया गया उसको लेकर भी हमने अपना विरोध दर्ज कराया, अपनी बात रखी, क्योंकि प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा था। तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें कोर्ट के संज्ञान में आई हैं, जो पहले सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर या मीडिया ट्रायल तक चल रही थी, लेकिन अब वो चीजें कोर्ट के सामने आधिकारिक तौर पर आ गई हैं, तो निश्चित है कि जब 2 तारीख को सुनवाई होगी तो बड़ी चीजें निकलेंगी। हो सकता है कोई सख्त आदेश कोर्ट पारित कर दे, सख्त आदेश उसकी सरकार या पुलिस को दे दे, उसके लिए हमें इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो चीजें थी, जो अफसर थे, कहीं ना कहीं उन्होंने जो लापरवाही की वो चीजें जरूर आज कोर्ट के सामने आए, क्योंकि जिस तरीके से दोनों वकीलों का बयान है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील विनोद शाही का बयान रहा हो या फिर पीड़िता की वकील सीमा कुशवाहा का बयान रहा हो, उनके बयानों से साबित होती है कि कोर्ट पूरे मामले पर बेहद सख्त था और हर चीज को पूछा है, हर चीज को सुना है और हर चीज को जानने की कोशिश की कि आखिर क्या ऐसी वजह थी। खास तौर पर जहां तक अंतिम संस्कार का जो सवाल था उस पर भी कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई, जो अधिकारी दलील दे रहे थे, सुरक्षा की दुआई दे रहे थे, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। जी मैं आपके पास वापस लौटती हूँ और शुभम आपके पास भी वापस लौटूंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की सुनवाई के दौरान में जो पीड़ित पक्ष का शुरुआती जो बयान था वो उस पर अब डटे हुए हैं, क्योंकि बीच में अलग तरह की बातें भी निकलकर सामने आई, क्योंकि सरकार और प्रशासन की ओर से कहा गया कि जो परमिशन थी परिवार वालों की वो ली गई थी दाह संस्कार के दौरान में। खैर आज परिवार वालों ने कहा कि उनको आगे केस में फंसाया जा सकता है, तमाम तरह की बातें आज रखी गई है और इसको लेकर अब अगली सुनवाई में फिर से सवाल पूछे जाएंगे। हाथरस केस में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, सरकार की तरफ से कोर्ट में विनोद शाही ने पक्ष रखा और उसके बाद उनका कहना यह रहा कि कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया है। जरा सुनिए उन्होंने किस तरीके से पक्ष रखा है अपना। हमने एफिडेविट फाइल किया और पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं उनसे न्यायालय ने उनका पक्ष जाना। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं ACS होम, ADG लॉ एंड ऑर्डर, उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है, DM हाथरस से पूछताछ किया है। 2 नवंबर की डेट फिक्स की है आगे की और 2 नवंबर को ADG लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल सेक्रेटरी होम परिवार वालों की परमिशन से चल रही है, लेकिन आज कोर्ट के सुनवाई के दौरान में परिवार ने अलग जो बातें पहले रखी थी शुरुआती दौर में उन्हीं बातों को फिर से दोहराया, उन्हीं बातों का तमाम जिक्र किया। फिलहाल अगर बात करते हैं हाथरस की, तो हाथरस की स्थिति क्या है, परिवार में जो महिला गायब थी उसको लेकर अभी तक क्या कुछ और नए खुलासे और CBI की भी लगातार कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो क्या तस्वीर अभी तक है हाथरस में? जी हम आपको बता दें कि हाथरस में इस समय गांव में मौजूद हैं और अगर हम बात करें CBI की तो लगातार कल CBI की टीम यहाँ आ गई थी और उसने कुछ डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट किए थे अधिकारियों से। उसके बाद आज से CBI को यहाँ गांव में आना था और जो फोरेंसिक टीम थी वो भी उसके साथ आनी थी, उसके बाद कार्रवाई करनी थी, लेकिन अभी तक CBI नहीं आई है कि देर रात तक CBI हाथरस आकर दोबारा जाँच पड़ताल करेगी। और अगर हम गाँव की बात करें उसके परिवार की, तो परिवार की बात करें तो वो महिला जो थी वो जबलपुर की जो महिला गायब वाली बता रही जा रही थी, वो वहाँ पर उसके किसी रिश्तेदार की बताई गई थी, तो उसके परिवार ने भी बताया था कि उससे मिलने वाली थी। अब हम बात करें अगर पीड़ित परिवार की, तो पीड़ित परिवार ने शुरू से ये बात कहा था कि उसको कि उस उनके पीड़िता का सब उनको नहीं जलने दिया गया और यही बात उन्होंने आज कोर्ट में भी रखी और उसके बाद कोर्ट ने भी उन्होंने जिला प्रशासन से यही कहा है कि उस पर बिंदुओं पर सवाल किए हैं कि आखिर क्यों, क्या कारण रहा कि किस पर नहीं रखे गए। अगर हम बात
करते हैं, तो उस पर पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए गए थे लगातार, परिवार यहाँ पर भी सवाल उठा रहा था और वहाँ पर भी सवाल उठाए हैं जी। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, एसके का एक बार फिर से रुख करेंगे। एसके, फिर अभी कोई निर्देश नहीं दिए गए कोर्ट की ओर से, जो आज पक्ष रखा गया उसको लेकर फिर से सुनवाई होनी है और सरकार का जो पक्ष रखने के लिए यहाँ पर लगातार अटॉर्नी जनरल एडिशनल पहुंचे हुए थे, उनकी ओर से भी कहा गया कि तमाम पहलुओं का हमने जिक्र किया है, तमाम जो उस वक्त सिचुएशन थी उसके आधार पर हमने अपना पक्ष रखा है। तो आज की इस पूरी कार्रवाई में क्या सिर्फ यही तमाम बातें रहीं या फिर इसके अलावा कुछ और भी खास बात निकलकर सामने आई? बिल्कुल, खास बात यही थी कि जिस तरीके से अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से जो चीजें बताई जा रही थी, कहीं ना कहीं वो चीजें कोर्ट के सामने रखी गई। हालांकि बहुत सारी चीजें नहीं थी, सरकार ने भी रिक्वेस्ट की अपने सरकारी वकील के माध्यम से कि हमको समय दिया जाए, तब कोर्ट ने उनको 2 तारीख का समय दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार अभी बाकी जो डिटेल्स है, बाकी जो चीजें हैं कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीमा कुशवाहा जो कि पीड़ित पक्ष की वकील हैं, उनका कहना था कि जब हाईकोर्ट के जज ने उनसे ये सवाल किया कि आखिर रात में अंतिम संस्कार क्यों कराया गया, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी वकील थे, जो एजी विनोद साही हैं, वो पूरी तरीके से जवाब नहीं दे पाए। और जहां तक अफसर वहां पर जो मौजूद थे, चाहे वो एसीएस रहे हों या फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे हों, वो पूरी तरीके से हम कहें निरुत्तर हो गए। उन्होंने जो जवाब दिया उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब जो दूसरी डेट होगी, तो निश्चित तौर पर ये कोशिश होगी उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके अफसरों की, कि बिल्कुल पूरे पुख्ता प्रमाण और सबूत। नहीं तो इसका मतलब इसके ये हुआ कि बीच में अलग था, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि परिवार की परमिशन से ही दाह संस्कार किया गया था, लेकिन जल्दबाजी में इसलिए किया गया क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल रखने के लिए जो इनपुट्स हमारे पास में आ रहे थे, इसलिए इस तरह से जो है दाह संस्कार किया गया और पूरे रीति रिवाज के साथ में किया गया। तो आज वहां पर जवाब कम क्यों थे? बिल्कुल, ये बातें जरूर रखी हैं, लेकिन जब पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने इसका जवाब दिया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बड़ी संख्या में पुलिस ऑलरेडी गांव में तैनात थी और अगर जरूरत थी तो और फोर्स लगाई जा सकती थी। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि 3-4 घंटे दिन शुरू होने के पहले ही अंतिम संस्कार करा दिया गया? तो कहीं ना कहीं ये वो सवाल थे जिनका जवाब शायद अफसरों और सरकारी वकील के पास नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब किस तरह के हार्श वर्ड्स रहे, क्योंकि सीमा कुशवाहा का हम बयान सुन रहे थे, सीमा कुशवाहा ने कहा कि कोर्ट में जज साहब के बहुत ही हार्श वर्ड्स रहे, यानी बहुत ही कठोर शब्द थे इनके इन तमाम जवाबों पर। तो वो क्या कुछ हार्श वर्ड्स रहे, वो कौन से कठोर शब्द थे, क्या इसको लेकर अब तक कुछ और तस्वीर साफ हो पाई है? बिल्कुल, निश्चित था कोर्ट पूरे मामले को लेकर सख्त थी, क्योंकि जिस तरीके की चीजें अभी तक सरकारी वकील की तरफ से रखी गई थी उनसे कोर्ट संतुष्ट नहीं थी। जो चीजें वो बता रहे थे वो पूरी तरीके से उससे कोर्ट सहमत नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से 3-3 FIR का जिक्र उन्होंने किया, उसमें पीड़ित परिवार की अंतिम संस्कार से पहले सहमति की बात पहले कही गई, उसके अलावा अपने लॉ एंड ऑर्डर की बात वहां पर रखी गई। तो ये वो चीजें थी जिस पर कोर्ट पूरी तरीके से सहमत नहीं था, क्योंकि कोर्ट का साफ कहना था जब पीड़िता की वकील ने कुछ सवाल रखे तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इन चीज को लेकर नाराज था। तो निश्चित तौर पर कोर्ट की सख्ती अगर हम देखेंगे तो जो बाहर सरकारी वकील का बयान है उससे हमें जरूर दिख रही है कि कोर्ट निश्चित तौर पर सख्त था। हालांकि कोर्ट के अंदर पीड़ित पक्ष और सरकार के पक्ष मौजूद थे और क्या हुआ है बेहतर वो बता सकते हैं, लेकिन जो चीजें बाहर निकल कर आई हैं वो यह साबित करती हैं कि कोर्ट इन सारी चीजों को लेकर सख्त था। और जिस तरीके से मीडिया ट्रायल पिछले 2 सप्ताह से लगातार चल रहा है, ये सारी चीजें कोर्ट के संज्ञान में भी थी, जिसको लेकर उसने संज्ञान लेकर पूरे मामले पर अफसरों को तलब किया था। तो कहीं ना कहीं अब जो पीड़ित परिवार है वो लगातार अपने बयान बदल रहा था, तो जब अब कोर्ट के सामने बात थी तो निश्चित तौर पर अब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। जो चीजें थी, जो वो कहना चाहते थे, जो अपनी बात रखना चाहते थे, वो उन्होंने कोर्ट के सामने रखी है। तो अब देखना यह है कि जब 2 तारीख की डेट में दोबारा से सुनवाई होगी तो सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है, इन सवालों का क्या जवाब दिया जाता है, उसके बाद कोर्ट अपना क्या निर्देश उनको देता है। दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, खबर मथुरा से है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, करीब 2 घंटों तक यहां पर भी कोर्ट में सुनवाई चलती रही। कृष्ण जन्मभूमि की जमीन से ईदगाह हटाने की मांग की जा रही है। 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी मामले पर। जिला जज साधना रानी ने वादी पक्ष की दलील को सुना, 16 अक्टूबर को फैसला होगा, याचिका खारिज होगी या स्वीकार। सिविल जज सीनियर डिवीजन से खारिज हुई थी याचिका और अब आगे क्या होगा यह अगली सुनवाई में तय होगा। और हमारे साथ है हमारे संवाददाता गगन फिलहाल फोनलाइन पर। गगन, आज की कार्रवाई के दौरान में एक और तारीख मिली है मामले को लेकर। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि लगातार जो है लंबी जिला जज ने लंबी दलीलें सुनने के बाद जो है 16 तारीख नियुक्त की गई है
वही वकील याचिका करता को कहना है कि जो 13.37 एकड़ जमीन में से जो कथित तौर पे जो मस्जिद बनी हुई है, ईदगाह मस्जिद बनी है, उसे हटाने के लेके आज अब फिर से एक जला यहाँ अपील दायर की गई थी। उसको लेके अभी आज सुनवाई के बाद में जो है 16 अक्टूबर तारीख दी गई है। 16 अक्टूबर को देखना होगा कि जिला जज साधना रानी ठाकुर इसे स्वीकार करती है, खारिज करती है अपील को। अच्छा, पिछली बार क्योंकि ये जो दलील थी उसको खारिज कर दिया गया था, लेकिन अभी इस आधार को मजबूत करने के लिए क्या किया जा रहा है? पिछली बार सीनियर डिवीजन कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आप जो है एक भक्त हैं और ऐसे जो है दुनिया में असंख्य भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के। अगर प्रत्येक भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण का अपील अगर करता है भगवान श्री कृष्ण के विराजमान मंदिर को लेके, तो जुडिशियल की जो है स्थिति गड़बड़ा जाएगी। इसके बाद में इन्होंने जो याचिका करता है, इन्होंने कई और भी ऑर्डर की कॉपियों के साथ आज जिला जज के यहाँ जो ये अपील दायर की थी, जिसके बाद जो है उसकी हियरिंग, उसकी सुनवाई की जो है जो डेट है वो 16 अक्टूबर नियुक्त की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। आचार्य विष्णु विनोदम हमारे साथ में है। आचार्य विष्णु विनोदम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद। मामले पर अगली तारीख मिली है, पिछली बार याचिका खारिज हो गई थी, कितनी उम्मीदें हैं अब कोर्ट से? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि देश का माहौल बहुत खराब हो रहा है और इधर इस वक्त देश को उम्मीद देश को उठाने के लिए चाहिए, ना कि देश के माहौल को खराब करने के लिए। तो ये और मथुरा एक प्रेम की नगरी है, यहाँ पर ये प्रेम का प्रतीक बनेगा मंदिर और मस्जिद, यहाँ पर ये लड़ाई ये लोग ना करें। ये लोग अपनी राजनीति के लिए इस काम को करते हैं, कहीं ना कहीं जनता और मथुरा की जनता खास तौर पर इससे सरोकार नहीं रखती। वो आपस में बहुत लंबे समय से प्रेम में रह रही है और आगे भी प्रेम में रहेगी। तो ये 16 तारीख की जो तारीख मिलने की बात हो रही है या आगे भी जो तारीख मिलेगी, इससे मथुरा का कोई लेना देना नहीं है, इससे हम लोगों का साधु संतों का भी कोई लेना देना नहीं। इसमें कुछ लोग हैं जो इस राजनीति को गरमाना चाहते हैं और इस पर राजनीति करना चाहते हैं मंदिर और मस्जिद की। मुझे लगता है ये बेकार राजनीति है और सबसे घटिया राजनीति है। मन में मंदिर होता है तो ये परिवार विशेष अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रयास कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, ये अपनी इनकी निजी इस पे स्वार्थ है, निजी स्वार्थ के लिए इस काम को किया जा रहा है। जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से साथ में रह रही है और साथ में रहती चली आएगी। ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर देश को ना बांटा जाए, हम लोगों की विनती है। और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो उस पर हम लोग भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि मथुरा का जो माहौल है ये बिगाड़ा जाए, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है, कृष्ण की नगरी। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।